दुकान बाग मुगलिया में संचालित निशा जनरल स्टोर में कल रात्रि में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यह जानकारी दुकान की मालिक कविता राय ने दी। कविता राय ने बताया कि समूह एवं अन्य लोगों से कर्जा लेकर यह दुकान मैंने संचालित की थी, लेकिन कल रात्रि ठीक 9 बजे दुकान में अचानक आग लगने से सारा माल जलकर राख हो गया है। अब शासन एवं प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायक से उम्मीद है कि मुझे कुछ सहायता राशि प्रदान करें ताकि मैं दोबारा से अपना व्यवसाय चालू कर सकूं एवं समूह द्वारा जो लोन लिया गया है सरकार उसे माफ करवाए ताकि मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से जी सकूं। दुकान में आग लगने से नुकसान के बाद मैं समूह की किस्त भरने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे अन्य लोगों का कर्जा भी देना है। दुकान में कम से कम 8 से 10 लाख का माल जलकर राख हो गया जिससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी स्थिति को ध्यान रखते हुए शासन प्रशासन मेरी मदद के लिए आगे आए। हम बाद में गलिया 8 दुकान स्थित खड़े हुए जहां पर कल रात्रि 9 बजे भीषण आग लगी। ये आग कैसी लगी इसका अभी तक किसी कोई पता नहीं चल पाया। हम बता दें ये जो महिला मध्यम वर्ग परिवार की महिला है समूह से लोन लेकर कुछ कर्ज लेकर इस दुकान को संचालित करती थी और बताया जाए कि इस दुकान में 8 से 10 लाख का माल भरा हुआ था। हम बात करें कीमती साड़ियों की या जो महिलाओं ने श्रृंगार सामग्री है क्रीम पाउडर तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। तो तमाम दुकान बहुत बड़ी है इस दुकान में तमाम माल यहाँ पर मौजूद। हम बता दें कि किस प्रकार आग में सारा सामान जल गया है पूरा सामान जल गया है पूरा। अब ये महिला चाहती है कि समूह का लोन कम से कम माफ़ हो क्योंकि तो मैं किस प्रकार किस्त भरूँगी। तो बता दें महंगी महंगी साड़ियाँ इन साड़ियों की हम कीमत लगाया तो 4 से 5 हज़ार रुपये की प्रति साड़ी है। ये साड़ी के बंडल तमाम साड़ी यहाँ पे जल गई है और तमाम सामान जो जला हुआ है। अब महिला की उम्मीद है कि सरकार कुछ मदद करे मुझे मुआवजा दे। स्थानीय विधायक श्रीमती कृष्णा जोशी से भी उन्होंने मांग की है कि मौके पर आकर निरीक्षण करके मुझे विधायक निधि से कुछ सहायता प्रदान करे और तो समूह में जो लोन है वो माफ़ किया जाए ताकि मैं किस्त समय पर नहीं भर पाऊँगी क्योंकि अब दुकान जल गई है पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे एक ही आस है कि सरकार मेरी मदद करे और सरकार से मुझे कुछ ना कुछ फंड जरूर मिले। मुझे पूर्ण उम्मीद है क्षेत्र विधायक श्रीमती कृष्णा जोर बड़ी सहनशील विधायक है और वो सबकी समस्या में काम आती है तो जरूर इस महिला की आवाज़ सुनकर वो यहाँ पर पहुँचेगी और इनकी समस्या का समाधान जरूर निकालेगी। हेडलाइन 24 से संतोष योगी भोपाल। आठ दुकान बाग मंगलिया से पास से बोल रही हूँ। मेरी दुकान जल चुकी है 10 लाख का माल जल गया है। मैं समूह से पैसे उठा कर मैंने पूरा माल भरा है वो कैसे लगी कब जल मेरे को कुछ पता नहीं है। इस माल में क्या क्या चूड़ियाँ साड़ी वगैरह सारी मैंने सारे सामान बर्तन से लेकर चूड़ी जनरल स्टोर का सामान साड़ी वगैरह सभी था। आप क्या चाहते हो सरकार से? आप मैं चाहती हूँ कि मुझे मुआवजा मिले कि मेरा इसी से मेरा परिवार चलता है इसी से मेरा लोन का किस्त भी मैं नहीं चुका। ये लोन समूह से लिया था आपने? समूह से तो कुछ किसी पे शक है आपको कि ये दुकान में जो आग लगी या शॉर्ट सर्किट वगैरह? कुछ भी नहीं पता मुझे कैसे लगी। मैं ताला बंद करके चली गई उसके बाद हम लोगों को पड़ोसी वाले ने फोन लगाया उसके बाद हम लोग आए ताला तोड़ के खोल के फिर जाके हम लोग अभी कोई अधिकारी यहाँ पे पहुँचा है निरीक्षण करने? बस रात को 2 पुलिस वाले आए तो कुछ बोला नहीं चले गए।